नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दीवानी परिसर में जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का सभी ने लिया संकल्प। गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केंद्र। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन ताजा ने शाहपुर थाने पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब की जयंती पर SC/ST के मामलों के निस्तारण के लिए लगाया गया है पुलिस चौपाल। सभी अधिकारी SC/ST के मामलों का कर रहे हैं निस्तारण। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शाहपुर थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। SC/ST के मामलों के फरियादियों का सुना फरियाद। महिला सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, पुलिस चौपाल में आए कुल 125 मामलों में से 29 मामलों का किया गया मौके पर निस्तारण। बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। दो अप्रैल से 14 अप्रैल तक गोरक्ष प्रांत के सभी प्रखंडों में चलाए जा रहे राम जन्म उत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की है आवश्यकता। किया हिंदू सनातन धर्म पर चलने का आह्वान। सपा पार्टी कार्यालय पर मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश के संविधान के निर्माण में दिया है अभूतपूर्व योगदान। प्रभु श्री राम उत्सव एवं अंबेडकर जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई मनमोहक भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दीवानी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि दीवानी परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है तथा उनके द्वारा किए गए संघर्षों पर चर्चा की गई है। उन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने कानून, शिक्षा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संघर्ष करके जो आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसे महान विभूति को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर हम ऐसे उच्च विचारों को ग्रहण कर हम अपना व अपने समाज में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार ने अलग उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी साथ ही मीडिया से पधारे हुए यहाँ पत्रकार, हम सभी आज इस गोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। महापुरुषों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम
बहुत ही गर्व के साथ दिया जाता है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आज उसके इस जन्म दिवस को एक गोष्ठी के रूप में आयोजित हम लोगों ने किया है। उनके विचारों को, उनके भावों को, उनके आदर्शों को हम लोग यहाँ विचार विमर्श के माध्यम से आत्मसात करेंगे। बाबा साहब के आदर्शों में ये विशेषता रही कि उनके विचार हर कालखंड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर समाज के लिए एक उपकारक रहा। उनके विचारों में एक ताकत थी, एक तपस्या थी जो हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित थी। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उनके द्वारा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों को भी समर्थन प्रदान किए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने, साथ ही भारत के संविधान के जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से भी एक थे। आज हम उनके जन्म दिवस को यहाँ पे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं माननीय न्यायाधीश महोदय और मंजा सिंह समस्त आदरणीय महोदय से अनुरोध करूंगा कि अंबेडकर जी के चित्र पे माल्यार्पण करते हुए उनका अभिवादन करें। जी सर, आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज वंश राशि माननीय जनपद महोदय और माननीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय सर और प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायाधीश सर और साथ ही बार काउंसिल के अध्यक्ष व मंत्री और सभी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण और कनिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मशती पर हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। और मैं यहाँ पर उनके जो विचार हैं उनके विचारों से सभी युवाओं को ये प्रेरणा लेकर जो हमारे साथी ने कहा कि शिक्षित बने, संघर्ष कर शिक्षित बने और संघर्ष करें और अपने कानूनों के बारे में जानें और जो एक समान नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उनको सभी को अपने समाज में जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, सिद्धांत हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान में रचित किए गए हैं, हमारे संविधान रचयिता हैं और उन्हीं के जो है विचारों से इस संविधान की रचना से हम आज इस मंच पर उपस्थित हैं और सबके आशीर्वाद से आज हम यहाँ गरिमामय स्थान पर खड़े होकर उनके विचारों को स्मरण कर रहे हैं। मंचस्थ आदरणीय प्रधान न्यायाधीश भाई देवेंद्र सिंह जी, मंचस्थ प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश श्री उपाध्याय जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज पांडे जी, मंत्री दुबे जी, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, मीडिया जगत से आए महानुभाव, विषय है चिंतन का स
समय है आत्मावलोकन का। स्थिति है आत्ममंथन। यह एक घंटे का समय जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं लगभग, इसका उद्देश्य क्या है? सैकड़ों वर्ष पहले कोई व्यक्ति इस धरा पर जन्म लिया और वो किसी व्यक्ति के पुत्र रहे होंगे, किसी मां के कोख से जन्म लिया होगा, किसी स्थान से ही उनका ताल्लुक रहा होगा, किसी किसी संस्था में उससे शिक्षा लिए होंगे और कोई न कोई कार्य करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो ऐसे हर वर्ष किसी महापुरुष के जन्म को लेकर आयोजन की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न मैं स्वयं से कर रहा हूं और अपने आप को ही झकझोर रहा हूं कि मेरा अंतर्मन क्या कह रहा है, क्यों हम एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है यदि मैं स्वयं को प्रेरित कर सका तो यह मेरी उपलब्धि होगी। मैं आपको प्रेरित कर सकूं ये दीवानी परिसर में बाबा साहब की जो जयंती 14 अप्रैल 2022 को मनाई गई है, इसमें उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए संघर्षों और उनके जो भारतीय संविधान के रचना में जो अमूल्य योगदान किया गया है और जो कानून के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विधिवत संघर्ष करके जो आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसे गरिमामय व्यक्ति जो हैं हमारे इस धरास्थल पर उपस्थित महान विभूतियों में से एक महान बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर हैं। इनके जीवन को के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन में ऐसे उच्च विचारों को ग्रहण कर अपना और समाज में अमूल्य योगदान कर सकते हैं और यही हमको उनकी संघर्षों से प्रेरणा लेने के जो है पर प्रेरणा लेकर अपना जीवन जो है उच्च स्थल तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं उनके विचार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में गुरुवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हम बाबा साहब के जीवन संघर्षों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र को स्थापित किया जाएगा जिसमें अंबेडकर सहित भारत के विभिन्न समाज सुधारकों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब के बहुआयामी लेखन कार्य को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उचितता के आधार पर पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक वहाँ के लोग सामाजिक सुधारों के लिए तत्पर ना हो। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, तकनीकी संचालन भौतिकी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रभुनाथ प्रसाद, कुल सचिव प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर संजीत गुप्ता, प्रोफेसर करुणाकर राम त्रिपाठी, प्रोफेसर गौरहरी बेहरा, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, डॉक्टर केशव सिंह सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक, शोध छात्र, स्नातक, परास्नातक छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा तो
आज अंबेडकर जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। एक मिलिट्री कैंट मध्य प्रदेश में है, बाव जो आजकल अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वह अपनी फैमिली में 14वें चाइल्ड थे और बाबा साहब आप जानते हैं कि जैसा कि उन्होंने जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के थी उसके चेयरमैन थे और हमारे संविधान के रचयिता हैं। और उनके जीवन पर अगर आप विचार उसको देखें तो आप जानेंगे कि बहुत ही स्ट्रेस में पले हैं वो। उन्होंने जो एक छुआछूत अनटचेबिलिटी को कैसे महसूस किया है और कैसे उसको संविधान में लाया है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आज यहाँ पे अनाउंसमेंट करने भी जा रहा हूँ कि हम अंबेडकर स्टडी सेंटर की स्थापना करेंगे, जिसमें अंबेडकर के पॉलिटिकल विचारों पे, इकोनॉमिक्स पे खासकर, और जो उनके जो अनटचेबिलिटी के भाव थे इतने सक्सेसफुल हुए हैं आज, आज उसके क्या क्या अचीवमेंट है, इस पे के लिए एक सेंटर की स्थापना करने की योजना है। मैं चाहूँगा फैकल्टी ऑफ आर्ट से ही आए और हम लोग उनको आज याद करके नमन करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का अपने बच्चों को उपदेश देंगे, अपने टीचरों को बताएंगे कि वो ऐसे ही नहीं इतने बड़े, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे एक बहुत ही एवरेज फैमिली, लो प्रोडक्ट फैमिली में पलते हुए भी कोलंबिया से उन्होंने पीएचडी किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से किया, तो कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे ये पाया, तो वो एक पूरी जो उस पर आज हमारे बहुत सारे स्पीकर हैं उस पर चर्चा करेंगे और हम आगे देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में ये चर्चाएँ चलती हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शाहपुर थाने पर उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि गुरुवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसके अवसर पर पूरे जनपद में पुलिस चौपाल का आयोजन किया है और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है और सभी थानों पर एससी एसटी के फरियादियों से बात की गई है और उनके समस्या का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी को समान न्याय मिले, जिससे पुलिस और पब्लिक में आपसी सौहार्द स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि फरियादियों के समस्या के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक संजीव कुमार, राकेश कुमार, गौरव सिंह, अमजद अली सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, माल्यार्पण होगा। समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले, सभी को बराबर का न्याय, बारी बारी जो हमारे सम्मानित अतिथि आए हुए हैं, इस राष्ट्र के लिए आज ये बहुत गौरव का क्षण है कि आज हम सभी लोगों को एक सूत्र में, सबको बराबर न्याय मिले, सबको बराबर शिक्षा मिले। चौपाल का आयोजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के
जयंती के अवसर पर किया गया है सभी थानों में, और इसमें हमने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित भी की है और पुष्प अर्पित किए हैं, और जो SC ST के मुकदमे हैं उनके वादी और गवाह से समाज के सम्मानित नागरिकों से वार्तालाप किया गया है। उद्देश्य यह है कि समाज में सभी को समान रूप से न्याय मिले, भयमुक्त समाज हो और पुलिस और पब्लिक में कोई दूरी ना हो, ना किसी तबके को ये लगे कि पुलिस उनके कार्यवाही में ढिलाई बरतती है। यदि कहीं कोई ढिलाई पाई जाती है, लापरवाही पाई जाती है, तो उसमें तत्परता से कार्यवाही भी की जाएगी। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि भारत और भारतीयता की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और भारत के संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। दलितों वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर देश के विकास में अग्रणी बनाने में उनकी भूमिका सदा याद की जाएगी। उन्होंने कहा, बाबा साहब की कीर्ति दिगंत तक गूंजती रहेगी। हम सभी बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर इस समाज और राष्ट्र को एक करने में अपना योगदान देंगे। बाबा साहब ने शोषित वंचित और महिलाओं के लिए आजीवन संघर्ष किया और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेगी। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, ब्रिजेश मणि मिश्र, रमेश प्रताप गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, जीतू, पद्मा गुप्ता, महानगर मंत्री मनोज अग्रहरी, गौरव तिवारी, अजय श्रीवास्तव, दिनेश जायसवाल, अवधेश अग्रहरी, शिवम पांडे, सत्यार्थ मिश्रा, श्वेता श्रीवास्तव, अनुराग मझवार, कृष्ण कुमार सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, थोड़ा पीछे होइएगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा पीछे होइए। आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह के साथ यहाँ आए हैं। सभी लोगों ने माल्यार्पण किया है। यह अभी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सही अर्थों में राजनैतिक मुकाम अगर डॉक्टर अंबेडकर का देने का काम किया तो किया है। उनके पंचतीर्थों को पूरी तौर पर तीर्थस्थल बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको करने का काम किया है। केवल भारतीय अन्य लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम को राजनीति में भुनाना चाहते हैं, वोट में भुनाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को, उनके कार्यों को पूरी तौर पर एक सही मुकाम देने का काम किया है। मैं आज उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान के निर्माण का कार्य उन्होंने किया, जो सैद्धांतिक रूप से कार्य किया, उसकी सराहना करते हुए भारत को सशक्त बनाने का काम जो उन्होंने किया है, वह पूरी तौर पर अमरता को प्राप्त करें।
एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर शाहपुर थाने पर पुलिस चौपाल लगाया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने SC/ST के वादी से बात करके उनके समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। वहीं पुलिस चौपाल अभियान के तहत जिले के अलग अलग थानों में 125 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 29 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और 11 मामलों में मुकदमा पंजीकृत हुआ। 3 मामलों में NCR व 15 मामलों में कार्यवाही की गई, बाकी मामलों में जांच के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक संजीव कुमार, राकेश कुमार, गौरव सिंह, अमजद अली, हिमांशु यादव, अभय नारायण सिंह, राजकुमारी शुक्ला सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरियों से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सभी लोग जो लोग आगे और लोग भी बैठे हुए हैं, एक बार उठ के सभी लोग बारी बारी अपना परिचय दे देंगे, जिससे हम लोगों का इसके बाद सीधा संवाद स्थापित हो सके। सर को पास गांव भी जाना है, उसके बाद सर का हम लोग आशीर्वचन लेंगे। सर सिंचाई विभाग में है सर, ये पहलवान है सर। ये नगर निगम के हैं सर, पूरे थाने के सब। राजा राम चौधरी सर, अश्वरण चौक पर वादी है सर, ये वादी है। आप सभी का थाना शाहपुर में स्वागत है। वैसे तो पुलिस चौपाल का कार्यक्रम गोरखपुर में लगता रहा है प्रत्येक बुधवार को, परंतु चुनाव के पश्चात ये हमारी पहली पुलिस चौपाल है जो शुरू हो रही है। और आज चूंकि भारत रत्न श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिवस भी है, इसी क्रम में हमने सोचा कि ये जो पहली पुलिस चौपाल है जिसमें हम शिकायतकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सम्मानित नागरिकों को, हमारे क्षेत्रवासियों से मिलते हैं, सुनते हैं उनकी शिकायतें समस्याएं और उसका निदान करने का प्रयास करते हैं, तो ये पुलिस चौपाल हमने सोचा क्यों ना आज 14 अप्रैल के दिन शुरू किया जाए। और इसमें जो हमारे SC/ST के मुकदमे हैं उनमें जो वादी है, जो उसमें गवाह है, जो पक्षकार है, जो समाज के सम्मानित लोग हैं, इन मामलों से जुड़े हैं, उनको बुलाकर एक गोष्ठी आयोजित की जाए, विचार विमर्श किया जाए। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमारे देश की नींव रखने वाले एक महानुभाव, जिन्होंने संविधान की रचना की, बल्कि साथ में ही देश में समानता का एक भाव आए, सबको बराबर का अवसर मिले, ऐसे विद्वान का जन्म हुआ था। अब मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा जानने के लिए कि आज के दिन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। पहले मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी थाने में पहली बार आए हैं? काफी संख्या में लोग हैं, लगभग 50% हैं जो पहली बार थाने में आए हैं। इससे पहले आप लोग कभी किसी थाने में नहीं गए। चलिए, तो हमारा आयोजन सफल रहा, कम से कम 50% लोग तो हैं जो पहली बार आकर देखे कि थाने में होता क्या है। अन्यथा लोग बाहर सुनकर ही मन बना लेते हैं कि पुलिस क्या काम करती है, कैसा काम थाने पे होता है, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। तो ये जो एक संशय है, जो एक ये गलत फहमी है कि पुलिस जो है केवल सिफारिश के आधार पर सुनती है या किसी को साथ में लेकर जाया जाए, नेताजी को कभी सुनाई जाएगा, नहीं तो वकील साहब को साथ ले जाया जाए, पैरोकार को साथ ले जाया जाए, तो ये हम चाहते हैं कि भ्रम टूटे। जो भी व्यक्ति थाने में आता है उसकी सुनवाई होती है और देर सवेर उसमें कार्यवाही अवश्य होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस के पास कई प्रकार के कार्य होते हैं। लगातार 24 घंटे काम करने वाला, सातों दिन काम करने वाला हमारा विभाग है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती। आपने देखा है, आप में से किसी ने कोई थाने चौकी पे ताला लगाओ, कभी नहीं लगता। तो जब इतना काम होता है तो कई बार कुछ लोगों का काम जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के काम करने में समय लगता है। तो इसमें आप निसंकोच, आपकी कोई समस्या हो आप आए थाने पर बताएं, आपका बिल्कुल कार्य किया जाएगा, जो न्याय संगत होगा, विधिक कार्य होगा,
वो होगा और उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो शासन है उसकी भी मंशा यही है कि सबको समान रूप से न्याय मिले, जो गलत है उसका दमन हो और जो सज्जन है, जो सही व्यक्ति है उसको न्याय मिले। अब इसके लिए प्रथम कड़ी यह है कि आप लोग थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। कई बार मैं देखता हूं बड़ा दुख होता है कि लोग बाहर भटकते हैं, गलतफहमी में रहते हैं, कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं कि इस आदमी के पास जाओ या उस वकील के पास जाओ या यहाँ थाने पे सुनवाई नहीं होती। ये गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सुनवाई होती है, चौकी पर होती है। चौकी पर नहीं सुनेंगे तो थाने में सुनेंगे, थाने में नहीं सुनेंगे तो सीओ साहब का ऑफिस है उसमें सुनेंगे, वहाँ भी नहीं सुनेंगे तो एडिशनल साहब का ऑफिस है, एसएसपी साहब का ऑफिस है, डीआईजी साहब का है, एडीजी साहब का है। और आपके यहाँ तो विशेष सुविधा उपलब्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको जनता दर्शन में आपकी सुनवाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी जगह आपको उपलब्ध है अपनी शिकायत करने के लिए सीधे तौर पे विभाग से कि आपको कहीं किसी की पैरोकारी की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा आके आपका काम बताएंगे, आपका काम सही है तो बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा, कई लोग कानूनी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। कुछ काम होते हैं जो पुलिस के स्तर से होते हैं, कुछ काम होते हैं जो दूसरे विभाग से होते हैं। तो जहां आप दूसरे विभाग से आपको कार्य करवाना है या जहां से आपको बताया जाता है कि साहब ये राजस्व विभाग से होगा या कोर्ट से होगा, वो कार्य राजस्व विभाग या कोर्ट से ही होगा। कई लोग बहकावे में आकर ये कहते हैं कि साहब चलो हम पुलिस से करवा देंगे ये काम, और उनसे उत्कोच प्राप्त किया जाता है, उनसे धन उगाही कर ली जाती है, फिर वो लोग हमारे पास में आते हैं भटक के कि साहब हमसे तो ये कह के पैसे ले लिए फलाना आदमी ने और हमारा काम नहीं हुआ। तो इसीलिए किसी को भी इस प्रकार से भ्रम में ना जाए, आप किसी के बहकावे में ना आए, सीधा अधिकारियों से आप बात करें। ये थाना जो है, ये चौकी है, ये पुलिस है, ये आपकी है। जो सज्जन व्यक्ति है ये उन्हीं के लिए बना है, ये दुर्जनों के लिए नहीं बना है। लोग सोचते हैं कि पुलिस जो है बदमाशों के लिए है, पुलिस बदमाशों के लिए नहीं है, पुलिस सज्जन लोगों के लिए है, शरीफ लोगों के लिए है। बदमाशों को तो हम जाते हैं पकड़ने के लिए, हम चाहते हैं सज्जन लोग हमारे पास में आए और बदमाशों के पास हम जाएं। कई बार होता उल्टा है, बदमाश तो थाने में आते हैं और सज्जन लोग घर पे डर के मारे बैठे रहते हैं, होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है। और फिर वो सज्जन लोग जो घर पे बैठे ये सोचते हैं देखो पुलिस कितनी खराब है, बताओ वो बदमाश आदमी वो पुलिस के पास घूम रहा है, पुलिस के साथ बैठा है और हम शरीफ आदमी हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, होता है या नहीं होता है? कई बार होता है। अब पूछते क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग बताते नहीं है। अब जब झगड़ा होगा तो आप आके बताओगे, कोई आपके जमीन पे कब्जा कर लेगा, आप आके बताओगे तभी तो पुलिस को पता चलेगा। गलत आदमी क्या करता है, वो पहले ही आके बैठ जाता है पुलिस के पास में। आप जाओगे आप देखोगे अरे थाने में तो ये बैठा है, अरे एसपी साहब के कार्यालय में तो ये बैठा है, और फिर उनके बाहर चमचे लगे होते हैं दलाल, वो कहते हैं अरे कहाँ तुम घूम रहे हो, इनके ये तो बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी, चलो मैं तुम्हें करवाता हूँ प्रार्थना पत्र, लाओ लाओ 500 रुपए मैं तुम्हारा काम करवाता हूँ। और इसी भ्रम में हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हम जाके अपनी बात बताएंगे तभी तो आगे कार्यवाही होगी। तो जो आपको दिखता है कई बार सत्य नहीं होता। सरकार ने तमाम प्रकार की सेवाएं चलाई हैं, आईजीआरएस प्रार्थना पत्र आते हैं, आईजीआरएस पे आप शिकायत कर सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं, प्रतिदिन अधिकारी बैठते हैं। और जो मुकदमे एससी एसटी के हैं उसमें तो कानून से बड़ी अच्छी व्यवस्था है, उसकी विवेचना थाने से होती ही नहीं है। एससी एसटी का मुकदमा जब दर्ज करवाया जाता है तो उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय करते हैं, क्योंकि वो सीनियर अधिकारी है। तो कानून में विशेष रूप से प्रावधान दिया है कि ये मामला एससी एसटी का गंभीर है और गंभीर मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय करेंगे, तो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी जब मीटिंग भी होती है विभाग की तो उसमें विशेष रूप से देखा जाता है। ये भी सुविधा दी गई है कि इन मुकदमों का निस्तारण, विवेचना का निस्तारण 60 दिन के अंदर कर दिया जाए। ये ना हो कि विवेचना 6 महीने, साल भर, 2 साल चल रही है, वादी पीड़ित जो है लगातार चक्कर काटे जा रहा है सीओ ऑफिस के, ऐसा नहीं होगा।
ये विवेचना 60 दिन में खत्म होनी है, और अगर उसके बाद कोई विशेष परिस्थिति बनती है, कोई साक्ष्य है या कोई गवाह है जो नहीं मौजूद है जिसके लिए विवेचना अतिरिक्त चलानी है, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति हम देते हैं, SSP अनुमति देते हैं, तब वो 60 दिन से ऊपर विवेचना चलती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, 60 दिन में विवेचना खत्म नहीं होती है, तो उसमें जो CEO साहब हैं उनकी जांच भी खुलती है और दंडित भी होते हैं। टेबल है, इनके ना फीती है ना तारा है ना। वो अगले हैं दीवान जी, उनके देखो फीती लगी है, वहां आगे करिए आपने, ये देखिए फीती लगी है। ये दीवान जी है इनसे ऊपर, फिर वो आगे वाले वो दरोगा जी है, उनके दो तारे लगे हैं। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके तीन तारे लगे पीतल के, है या नहीं है व्यवस्था? मेरा देख लो, एक तारा है। जो एडिशनल SP होंगे उनके एक अशोक स्तंभ होगा, जो CEO साहब होंगे उनके ऐसे ही होंगे, लेकिन पीतल है, वो पीतल उसके होंगे सिल्वर के, सफेद रंग के। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति है। जोरदार ताली बजाइए। हमेशा मन में जज्बा रखना है, जलाओ दिए पे रहे ध्यान इतना। साहब की जयंती पर हमारी मातृशक्ति कार्यों से आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, जिसके अवसर पर हमने पुलिस चौपाल का आयोजन किया है पूरे जनपद में। और इस पुलिस चौपाल में जो SC ST के मुकदमे हैं उन सभी के वादी और गवाह, साथ में जो समाज के सम्मानित नागरिक हैं, प्रधान प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे वार्ता और विचार विमर्श का कार्यक्रम सभी थानों पर आयोजित किया है। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज शाहपुर थाना और बांसगांव थाने में ये कार्यक्रम में शिरकत की गई है। जो वहाँ SC ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनके वादी पक्ष को क्या समस्या है, कोई इनको दिक्कत हो, कोई मुआवजे में समस्या आ रही हो, इस बारे में जानकारी ली गई है। उद्देश्य यह है कि पुलिस और समाज के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाए, जो भ्रांतियाँ हैं उसे हटाया जाए, समाज के हर वर्ग हर तबके को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो। और आज ये अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जब संविधान के हमारे सृजनकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, और इसी दिन हमने ये कार्यक्रम को आयोजित कर समाज में समानता और न्याय का एक संदेश देने का प्रयास किया है। सम्मानित भी किया है महिलाओं जी, इसमें हमारे समाज की जो सम्मानित महिलाएं हैं जो समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनको सम्मानित किया गया, और अन्य गणमान्य नागरिक जो मौके पर उपस्थित हुए हैं, इनसे जानकारी कर वार्तालाप कर विचार विमर्श किया गया है। और इनके एक जो मोबाइल नंबर है उनको भी लेकर आगे लगातार इनसे संपर्क में रहा जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दीवानी परिसर में जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का सभी ने लिया संकल्प। गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केंद्र। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने शाहपुर थाने पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब की जयंती पर SC ST के मामलों के निस्तारण के लिए लगाया गया है पुलिस चौपाल, सभी अधिकारी SC ST के मामलों का कर रहे हैं निस्तारण।
संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शाहपुर थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। एससी एसटी के मामलों के फरियादियों का सुना फरियाद, महिला सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, पुलिस चौपाल में आए कुल 125 मामलों में से 29 मामलों का किया गया मौके पर निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। दो अप्रैल से 14 अप्रैल तक गोरक्ष प्रांत के सभी प्रखंडों में चलाए जा रहे राम जन्म उत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की है आवश्यकता, किया हिंदू सनातन धर्म पर चलने का आह्वान। सपा पार्टी कार्यालय पर मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश के संविधान के निर्माण में दिया है अभूतपूर्व योगदान। और प्रभु श्री राम उत्सव एवं अंबेडकर जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई मनमोहक भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में राम जन्मोत्सव धूमधाम से आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हरिशंकर के द्वारा संपन्न हुआ, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक होने वाले राम जन्म उत्सव का कार्यक्रम जो गोरक्ष प्रांत के सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा था, आज उसका विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हरिशंकर द्वारा समापन हुआ। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है तथा हिंदू व सनातन धर्म पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, इनके नाम में यह राम जी छुपा हुआ, इसको हमें समझने की जरूरत। और अगर हम बात करें इनके बहुत सी अवहेलनाओं को झेलने के बाद, लेकिन टैलेंट और मेघा जैसा सिस्टम कहते हैं कि दवाएं नहीं लगती है, बचपन के विख्यात शिल्पी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनके जीवन परिचय से निमित्त एक लाइन जो मुझे समझ में आती है, जैसे कहते हैं ना कुछ कहावते हैं, एक छोटी सी टहनी कभी पतवार बनती है, एक छोटी सी चिंगारी कभी अंगार बनती है। मैं बस समझ कर रोता गया था जिस मिट्टी को, कभी वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन का जो वृत्तांत है, कठिन परिस्थितियों में जिनका सपना था कि मैं कल की राम का मंदिर कभी देख पाऊं, वो दौर अलग था, लेकिन फिर भी उसके बाद उन चीजों के द्वारा आगे बढ़ते हुए और हमारे देश के संविधान निर्माता के रूप में विकसित होना और एक सुखद संयोग मानिए प्रभु श्री राम के बारे में अगर हम जानते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पहचान राजा राजकुमार राम के रूप में नहीं, राजा राम के रूप में नहीं, वो वन में जाते हैं और वन में जाते जाते सबसे पहले विषम परिस्थितियों में जो भी वंचित हैं, जो परेशान हैं, उनका एक सबसे बड़ी प्रतिज्ञा होती है, निश्चय हीन करो जग मोही हाथ उठाए परण लीन। अरे इस पूरी पृथ्वी में जो आपताएं हैं, जो विक्रांता, जो दुराचारी हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, हम उनसे इस पृथ्वी को मुक्त करेंगे ये संकल्प लेते हैं। और सहयोग भी जिनका लिया, जो वंचित थे सुग्रीव का साथ लिया, वानरों की सेना ली, और इस तरीके से समाज में जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनका एक संगठन निर्माण किया, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम किया, और आज के डेट में पूरा विश्व सिर्फ इस नाम को सुनकर एक अजीब सी ऊर्जा लेता है। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट कहते हैं, इस देश में टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा मेरे विद्यार्थी हैं। मैं बनारस में, नासिक में, महाराष्ट्र में, कई जगह मेरे आकाश इंस्टीट्यूटों का इतिहास रहा है। आज मिस्र नहीं है, रोम नहीं है, यूनान नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति पे जितने अत्याचार हुए, हम बड़े हुए, हमने प्रतिकार किया। जिस खिलजी ने, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई तो 3 महीने तक जली थी, उसके बावजूद भी आज के डेट में, आज के डेट में अगर आप दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल। आज विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा जो विगत दो अप्रैल से 14 अप्रैल आज तक जो राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम गोरक्ष प्रांत के सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा था, आज उसका समापन का यहाँ कार्यक्रम किया गया है। आज इस समापन के अवसर पर हमारे मुख्य वक्ता श्री हरिशंकर जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनके द्वारा उद्बोधन। गुरुवार को बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि बाबा साहब ने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब ने हमेशा से कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया है। वह
प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता तथा समाज सुधारक थे। वे अपने प्रगतिशील कृतित्व और रोशन व्यक्तित्व के कारण आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, संजय पहलवान, अखिलेश यादव, ब्रिजेश कुमार, श्यामदेव निषाद, विक्की निषाद सहित अन्य समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, 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 अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके बनाए हुए संविधान से आज देश चल रहा है, लेकिन इधर आने वाले समय में देखा गया कि हमारे संविधान के जो मूल विचार हैं, समाज के हर व्यक्ति को सम्मान की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो, कहीं न कहीं से आज उस पर खतरा नज़र आता है। चाहे कोई चुनाव हो या कानून के पालन की बात हो, तो ये लोकतंत्र कहाँ का लोकतंत्र है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो सबको मत का अधिकार इसलिए दिलवाया था कि गांव की झोपड़ी और गरीब में रहने वाला व्यक्ति भी स्वच्छंद रूप से अपने इस लोकतंत्र के इस पावन पर्व में हमेशा शामिल हो और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर हम सभी समाजवादी साथी समाज में जाएंगे और समाज के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में एहसास कराएंगे, संविधान में जो उनके अधिकार हैं उनका एहसास कराएंगे। कहीं न कहीं इधर कुछ ऐसी बातें लोगों के दिलों में डाल दी गई हैं, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे, तो उसी संकल्प के रूप में आज हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे और आज ही नहीं ख़त्म करेंगे, हम लोग प्रतिदिन गांव में जाकर के बाबा साहब के मिशन को बताने का काम करेंगे। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रभु श्री राम उत्सव एवं अंबेडकर जयंती के अवसर पर आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में ही विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि हजारों की संख्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में बालक व बालिकाओं द्वारा राम दरबार एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनमोहक झांकियां निकाली गई हैं और माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। शोभा यात्रा आर्य नगर सरस्वती विद्या मंदिर से निकलकर अलीनगर, बख्शीपुर, बैंक रोड, विजय चौक होते हुए वापस सरस्वती विद्या मंदिर पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर प्रांत श्रम मंत्री शगुन श्रीवास्तव, मनोज गौड़, नवीन पांडे, राहुल पांडे, देवीलाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, शिवम उपाध्याय सहित अन्य राम भक्त उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हमारे
दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल। यहाँ पे एक भव्य शोभा यात्रा लगभग 2000 माताओं बहनों के साथ निकलने जा रही है, जिनमें भगवान श्री राम का प्रतिरूप बन के बच्चे बैठे हैं। अंबेडकर जी की आज क्योंकि जयंती है, तो सिर्फ अपने संविधान के रचयिता अंबेडकर जी की एक शोभा यात्रा है, राम का दरबार है, और ये शोभा यात्रा गाजा बाजा के साथ अभी महानगर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए पुनः इस स्थान पर आएगी, और यहाँ पर सबका जो है आज यहाँ पे प्रसाद के रूप में, यहाँ पर भगवान के प्रसाद के रूप में महाप्रसाद भोजन भी है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दीवानी परिसर में जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का सभी ने लिया संकल्प। गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केंद्र। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने शाहपुर थाने पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब की जयंती पर SC/ST के मामलों के निस्तारण के लिए लगाया गया है पुलिस चौपाल, सभी अधिकारी SC/ST के मामलों का कर रहे हैं निस्तारण। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शाहपुर थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, SC/ST के मामलों के फरियादियों का सुना फरियाद, महिला सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, पुलिस चौपाल में आए कुल 125 मामलों में से 29 मामलों का किया गया मौके पर निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। दो अप्रैल से 14 अप्रैल तक गोरक्ष प्रांत के सभी प्रखंडों में चलाए जा रहे राम जन्म उत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की है आवश्यकता, किया हिंदू सनातन धर्म पर चलने का आह्वान। छपा पार्टी कार्यालय पर मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश के संविधान के निर्माण में दिया है अभूतपूर्व योगदान। और प्रभु श्री राम उत्सव एवं अंबेडकर जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई मनमोहक भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।